जय। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेवी कजराट से चिंतामणि पार सुनात भगवान की जय। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। अनेकांत से आद्वादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकोण वंदनी श्रमण शिरोमणि योगेन्द्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादि घोर उपसर्ग परिसजेता सिंह निष्कृतवत्कर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट लोकोत्तर पुरुष भावी अरहंत आर्ष मार्ग संपोषक चैतन्य चमत्कार ज्ञान ज्योति अध्यात्म जादूगर प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल सभा विवासल्यवारिधि दिन धर्म प्रभावक बंधन भट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की अहिंसा मणि विश्व धर्म की बोले आचार्य संघ की जय। आत्मानुरागी भव्य आत्मा, कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए आस चाहिए। जिंदगी जीने के लिए आस चाहिए, पानी पीने के लिए प्यास चाहिए, या कुआ खोदने के लिए प्यास चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, कुछ पाने के लिए खोना होता है। आत्म कल्याण करने के लिए गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर चाहिए, आत्म कल्याण करने के लिए गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज चाहिए। प्रेम कुमार जी ने आत्म कल्याण करने के लिए गुरुवर आचार्य श्री का चरण पकड़ लिया। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, नन्ही सी छोटी सी चींटी को अगर पारसोला से चल करके उदयपुर जाना हो तो कितने दिन लग जाएंगे, या कितने दिन में पहुंच जाएगी वो? पता नहीं आप लोगों को कि चींटी यहां से चल के अगर उदयपुर चलने जाए तो पता नहीं कितने दिन में कितने घंटों में पहुंचेगी। अगर वही चींटी उदयपुर जाने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर बैठ जाए, उदयपुर जाने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर बैठ जाए तो कितने घंटे में पहुंच जाएगी? 3 घंटे में उदयपुर पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया बताया। अगर कोई व्यक्ति अपना आत्म कल्याण स्वयं करना चाहे तो कितने भाव लग जाएंगे? कोई भव्य प्राणी अपना स्वयं कल्याण करना चाहे कितने भाव लगेंगे? कोई पता नहीं। लेकिन वही भव्य अगर किसी गुरु का, सच्चे गुरु का चरण पकड़ करके उनके मार्गदर्शन में चल जाए तो बहुत जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रेम कुमार जी ने वही किया, प्रेम कर लिया आचार्य श्री से। प्रेम कुमार जी ने प्रेम कर लिया आचार्य श्री से। क्यों किया? क्योंकि प्रेम एक परमात्मा का नाम है। थोड़ा ध्यान से सुनना आप, प्रेम एक परमात्मा का नाम है, प्रेम सम्यक्त का चिन्ह है, प्रेम सम्यक्त का चिन्ह है, प्रेम अपने आप से मुलाकात है।
प्रेम अपने आप से मुलाकात है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करता है तब तक वह परमात्मा भी नहीं बनता है। इसलिए प्रेम अपने आप से मुलाकात का नाम है, प्रेम सकारात्मक सोच का नाम है। प्रेम सकारात्मक सोच की एक पर्याय है और प्रेम एक अहिंसा का रूप है। प्रेम एक अहिंसा का रूप है, बड़ा सोच समझ के नाम रखा इनके माता पिता ने, और वास्तव में इनका जीवन भी ऐसा ही जो मैंने आपको बताया है। ये परमात्मा से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, मां सरस्वती से प्रेम करते हैं, और उनका प्रेम करने का यह फल मिला कि आज वो अपने संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर के अपने आत्म साधना के लिए, अपने अंदर यात्रा करने के लिए, अंतर्मुख दृष्टि करने के लिए वे आचार्य श्री के चरणों में समर्पित हो गए। गुरुदेव मुझे वह विद्या दो, मुझे वह एक साधन दो जिसे मैं भव सागर तीर जाऊं, और उन्हें मिल गया। प्रियात्मन, जिंदगी में दो दिन ऐसे होते हैं जिसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी में दो दिन ऐसे होते इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक तो होता है यस्टरडे और एक होता है टुमारो। एक तो होता है यस्टरडे और एक होता है टुमारो। यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ दिन। और टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला दिन। यस्टरडे तो बीत गया, अपने हाथ में नहीं है, और आने वाला है उसके भी अपने पास गारंटी नहीं कि अपने को अगला दिन मिलेगा, नहीं गारंटी है। तो अपने पास कौन सा दिन रह गया? टुडे। आज का दिन अपने हाथ में है, इसलिए हम कहा करते हैं टुडे इज गुड डे। टुडे इज गुड डे। आज के दिन को मैं अच्छा बना लूं, आज के दिन को मैं खूबसूरत बना लूं, आज के दिन को मैं सुंदर बना लूं, आज के दिन मैं प्रभु भक्ति में लगा लूं, आज के दिन को मैं भगवान की भक्ति में लगा लूं, तो आज का दिन अच्छा दिन है। क्योंकि कहते हैं नीतिकार, चार बातें याद रखा करो, बोले जबान से निकला हुआ शब्द, जबान से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला हुआ तीर, कमान से निकला हुआ तीर, बीती हुई जिंदगी, बीती हुई जिंदगी और हाथ में आया हुआ अच्छा अवसर अगर निकल जाए तो लौट कर वापस नहीं आने वाला होता है, लौट कर वापस नहीं आता है। दौलत राम जी बहुत अच्छी बात कह गए। दौलत राम जी ने कहा कि यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले जो सुमणी उधरी समानी। बहुत प्यारी बात लिख के गए हैं। यह मानुष पर्याय, यह हमें मनुष्य पर्याय मिली है, यह मानुष पर्याय सुकुल, उसमें एक अच्छी बात और जोड़ लें हम कि मुझे उत्तम कुल मिल गया है, और फिर असली तीसरी बात कहिए सुनियो जिनवाणी,